दोस्तों हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा हिंदुस्तान टाइम्स में स्पोर्ट्स सेक्शन में। अभी क्योंकि क्रिकेट का माहौल है तो मुझे लगा कि इस पे बात होनी चाहिए। दोस्तों ये क्रिकेट है महान खिलाड़ी पलवांकर बलू। बिल्कुल आप में से काफ़ी लोगों को लगा होगा कि ये कौन खिलाड़ी है भाई, इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं। दरअसल ये भारत के पहले दलित आइकॉनिक खिलाड़ी थे। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि हमारा हमारा समाज जो है बिल्कुल आदर्श समाज नहीं है। हम आदर्श की होने की दिशा में चल रहे हैं लेकिन ये आदर्श समाज नहीं है, अभी बहुत सारी कमियां हैं। तो जब हम पीछे इतिहास में झांकते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसे बहुत महान लोग हुए हैं जिनके बारे में ना तो चर्चा की गई है, ना पुस्तकें लिखी गए हैं उनके ऊपर, ना मूवीज बनी है। तो ऐसे बहुत सारे महान चरित्र रहे हैं इस देश में जिन पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि जी मुझे बिल्कुल इस विषय पर कुछ लिखना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, आपके समक्ष ये कैरेक्टर रखना चाहिए। मैं आज जिक्र कर रहा हूँ देश के पहले दलित आइकॉनिक क्रिकेटर की। जब भी बात क्रिकेटर की आती है तो हम सचिन, हम धोनी, हम कपिल देव, सुनील गावस्कर, लाला अमरनाथ, इन सब महान खिलाड़ियों को जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो समाज में भेदभाव और कुछ कुंठित दिमाग, कुछ भेदभावपूर्ण दिमाग मस्तिष्क की वजह से कुछ नाम आगे नहीं आ पाए। दोस्तों ये इस दौर के लोगों का कर्तव्य है कि युवाओं को बताएं कि हमारे देश में कैसे कैसे महान खिलाड़ी हुए हैं, किन किन परिस्थितियों में वो क्रिकेट खेले हैं या कोई और काम किए हैं। मैं जिस कैरेक्टर चरित्र का बात कर रहा हूँ उनका नाम है पलवानकर बलू। मैं फोटो दिखाना चाहूँगा कि ये पलवानकर बलू हैं, देश के पहले दलित खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। इनका जो दौर था वो दौर था 19वीं सदी जब शुरू हो रहा था, 1892 में पहली बार वो खेल के मैदान में कदम रखे। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि 17 साल की उम्र में जब वो उन्होंने मैदान में कदम रखा तब वो खिलाड़ी की हैसियत से नहीं, दरअसल जो पारसी खिलाड़ी पुणे, मैं बात पुणे का कर रहा हूँ, पुणे में एक हिंदू जिम खाना नाम का क्लब हुआ करता था। उस क्लब में इन्होंने बतौर एक सेवक कह सकते, एक नौकर के तहत ज्वाइन किया उस क्लब को। और इनका काम होता था कि जब नेट पर खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे तो उनके नेट को सफाई करना, नेट को साफ करना, गेंद देना। उसके बाद उनको एक और काम दिया गया कि जब पारसी बल्लेबाज बैटिंग करते हो तो उनके गेंद को लेके आना और उनको प्रैक्टिस करवाना, यानी गेंद फेंकना। गेंद फेंकते फेंकते दोस्तों ये इतने पारंगत हो गए, खुद इनमें हुनर आने लगा। कहते हैं हुनर को किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद अपना रास्ता निकाल लेता है झरने की तरह। जैसे झरना अपना रास्ता खुद निकाल लेता है पहाड़ को, चट्टानों को चीरते हुए, ठीक उसी प्रकार पलवानकर बलू ने अपना रास्ता बनाया। इनकी कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय में जात पात की दीवार बहुत ऊंची थी दोस्तों। इनफैक्ट क्रिकेट में भी या किसी खेल में भी खिलाड़ी कई खेमे में बटे हुए थे। मुसलमानों का खेमा अलग था, ब्राह्मणों का अलग था, पारसियों का अलग था। तो दोस्तों मैं बता दूं पलवानकर बलू के बारे में, पुणे के रहने वाले थे। इनकी सैलरी केवल 4 रुपए थी जब इन्होंने पुणे के जिम खाना क्लब, हिंदू जिम खाना क्लब ज्वाइन किया। वहाँ पर खिलाड़ी नहीं बल्कि एक नौकर के तहत हैसियत से उन्होंने ज्वाइन किया। फिर ग्रेजुअली वो गेंद प्रैक्टिस करवाते रहे खिलाड़ियों को और उसके बाद इनमें भी हुनर आई और ये क्रिकेट खेलना शुरू किए। दोस्तों ये दौर है 1900 से लेकर 1920। इस दौरान खासकर 1900 से 1910 के दौरान जो क्लब थी हिंदू जिमखाना वो विदेशों में टूर करने जाती थी और काफ़ी मैच हारती थी, पर बल्लू के आ जाने से जिमखाने के बॉलिंग में एक अजीब सी शक्ति आई। और मैं बता दूं कि एक 1911 की बात है, 1911 में ये क्लब, और मैं फिर से आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि उस समय भारतीय टीम का गठन नहीं हुआ था, देर वॉज नो एनी ऑफिशियल इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम बना 1932 में, 1932 में, और मैं जिक्र कर रहा हूँ 1932 से पहले की। तो उस समय क्लब भारत बहुत सारे क्लब हुआ करते थे अंग्रेज़ों के और
जो भारत के जो उच्च वर्ग थे उनके, जैसे पारसियों का या ब्राह्मणों का, उस इसी प्रकार। तो पुणे की क्लब की मैं जिक्र कर रहा हूँ, पुणे में इन्होंने खेलना शुरू किया। इनकी गेंदबाजी बेहतरीन थी जिसके वजह से इनको टीम में रखा गया, और टीम में आने के बाद मैं बता दूँ 1911 में इंग्लैंड गई थी यह टीम, और 10 मैच खेली जिसमें से 8 हार गई, केवल 2 मैच ही जीती। लेकिन इसके बावजूद जो क्लाउड ऑफ सिल्वर लाइन कहते हैं, सॉरी सिल्वर लाइन ऑफ द क्लाउड कहते हैं, तो ये बनकर उभरे पलवंकर बलू जी। पलवंकर बलू ने उस टूर में 114 विकेट लिए। उनका उनकी जो श्रेष्ठ इनिंग थी दोस्तों, वो थी 8 विकेट पर 103 रन। आप कल्पना कर सकते हैं किसी किसी टूर में, किसी दौर, जब आप किसी देश देश का दौरा करने जाते हैं, तो 114 विकेट यानी विकेटों का सेंचुरी अकल्पनीय है। इस दौर में तो इस तरह का इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये सच है। पलवानकर बल्लू के संदर्भ में उन्होंने ऐसा किया, और यही वजह रही कि ये अपने खेल की वजह से अपना कद बढ़ाते गए, और अपना कद इतना बढ़ाया दोस्तों कि लोगों में बातें होने लगी कि इनको कप्तान बनाया जाए। पर सबसे बड़ी बाधा जो इन्होंने सामना की, जिसका सामना किया होता है, जात। इनके अंदर और खिलाड़ी खेलने को तैयार नहीं थे। अगर इनको कप्तान बनाया जाता तो जो ब्राह्मण समाज के या उच्च वर्ग के जो लोग खिलाड़ी थे वो खेलने से इनकार कर देते। इसी को ध्यान में रखते हुए इनको कप्तान नहीं बनाया गया दोस्तों। इनके जो कप्तान थे, एमडी पिल्लई, अगर मैं गलत नहीं हो तो मैं बताऊंगा, इनके जो कप्तान थे उन्होंने एमडी पाई, मैं करेक्ट करूंगा खुद को, एमडी पाई ने कई बार इंटरव्यू में कहा था कि पलवांकर बलू इनसे कहीं अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बात वही है, जात पात की वजह से इनको कभी कप्तान नहीं बनाया गया। दुख की बात यह कि जब 1920 में, यानी लगभग 10-15 साल की क्रिकेट जब इन्होंने खेल लिया, पलवांकर बलू और टीम में सबसे अनुभवी और सबसे बेहतरीन गेंदबाज थे, उसके बावजूद भी जब एमडी पाई की कप्तानी खत्म हुई, तो इनको कप्तान न बनाकर एक नौजवान युवक, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता था, और उसको कप्तानी सौंपी गई। उनका नाम था डीबी देवधर। ये प्रकाष्ठा थी, क्योंकि सबसे अनुभवी खिलाड़ी को आप मौका ना देकर किसी नौजवान नए खिलाड़ी को मौका देते हैं, तो आवाज़ तो उठनी थी, तो आवाज़ उठी। मैं बता दूं, पलवांकर बलू ने बॉयकट किया, टीम से खेलने से इन्होंने मना कर दिया, और साथ ही इनके दो भाई हुआ करते थे, वो भी क्रिकेटर थे, महान क्रिकेटर थे। विट्ठल, विट्ठल का नाम सुना होगा अपने हमने, एक थे शिवराम। तो शिवराम विट्ठल और ये बलू, तीनों ने बॉयकट कर दिया, खेलने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने आवाज़ उठाई तब जाकर इनको इनको शांत करने के लिए वाइस कैप्टन बनाया गया। देखिए दुर्भाग्य, देखिए सबसे महान खिलाड़ी उस दौर के, टीम में सबसे अनुभवी, फिर भी कप्तान नहीं बनाया गया, इनको वाइस कप्तान बनाया गया। फिर आगे चलकर ये राजनीति की ओर मुड़ गए, गांधी जी को ज्वाइन किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ाई में चले गए। उस दौर के सबसे बड़े, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद सबसे बड़े दलित चेहरा थे, तो इन्हें माना जाता था। युवाओं को लुभा रहे थे, पुणे के चर्चित चेहरा थे। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अगेंस्ट खड़ा किया। हालांकि ये चुनाव हार गए थे कम मार्जिन से, 1000-2000 वोट के मार्जिन से, लेकिन फिर भी विषय तो क्रिकेट ही है, तो क्रिकेट एज ए क्रिकेट इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, कप्तान कभी नहीं बनाए गए, लेकिन फिर भी प्रतिभा कभी नहीं रुकती है और सच्चाई कभी नहीं थकती। अपनी प्रतिभा के बदौलत उस दौर के सबसे महान खिलाड़ियों में इनकी गिनती की गई। हालांकि कई सामाजिक वजहों से इनके ऊपर ना कोई किताब लिखा गया, ना कोई किसी तरह की डॉक्यूमेंट्री बनी। यही वजह है कि एक बहुत बड़ा गैप आया और लोगों को कुछ पता नहीं इनके बारे में। लेकिन जो दलित चिंतक हैं वो लोग आगे आ रहे हैं, बुक लिख रहे हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने ये आर्टिकल लिखा और हमारे जैसे लोग पढ़ रहे हैं। मेरा मकसद ये था कि युवाओं को पता होना चाहिए दलितों की संघर्ष गाथा। इतना आसान नहीं था, भारतीय समाज बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है, जटिल रहा है शुरू से ही।
कईयों को यकीन नहीं होगा, लेकिन भारतीय समाज की प्रशंसा वही लोग करते हैं जो हमेशा से उच्च वर्ग में रहे हैं, जो खुद विक्टिम रहे हैं। कभी उन उनसे बातें कीजिए, वो बताएंगे कि भारतीय समाज में कितनी समस्या रही थी या अभी भी है। गांव, छोटे शहरों में या गांव में जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन जात पात अभी भी है। कहीं से ये जायज नहीं है, सही नहीं है। हालांकि खेल में जात पात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आज के दौर में केवल प्रतिभा को दिखा जाता है, यही वजह है कि छोटे शहर से आने वाले महेंद्र सिंह धोनी देश के कप्तान बने। और बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाएंगे कि खेल में अब जात पात नहीं रहा, एक अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड रीड, वी शुड स्टडी द स्ट्रगल ऑफ द दलित पीपल्स, बिकॉज देयर इज अ सागा ऑफ स्ट्रगल, एंड बींग पार्ट ऑफ दिस जनरेशन वी मस्ट नो देयर स्ट्रगल, वी मस्ट हाईलाइट सो दैट यूथ एंड चिल्ड्रन कैन लर्न, कैन अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ आर सोसाइटी। इट्स नॉट एज इजी एट इट सीम्स, एट इज एज इट इज बींग रिप्रेजेंटेड। देर इज अबिट प्रॉब्लम्स, बट एनी वेज माई पर्पज वॉज टू हाईलाइट द बिग कैरेक्टर, ये दलित चेहरा पालवंकर बल्लू जी। हम सबको पता होना चाहिए कि भारत के पहले दलित क्रिकेटर कौन थे, और टीम में जगह बनाने में उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। एक सर्विसमैन, एक नौकर की हैसियत से क्लब ज्वाइन करते हैं, 4 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन अपने प्रतिभा के बदौलत कप्तान नहीं भी बन पाए तो वाइस कैप्टन बने और इतिहास में अपना छाप छोड़ा। तो दोस्तों जिक्र किया कीजिए, कभी कभी इतिहास का पन्ना पलटना जरूरी होता है ताकि हम वर्तमान को और बेहतर तरीके से समझ सकें। वो भी एक दौर था दोस्तों, सोचिए कि सबसे महान खिलाड़ी होने के बावजूद उनके साथ भेदभाव किया जाता था। मैं बता दूं, जब ये टी ब्रेक हुआ करता था टेस्ट मैच के दौरान, क्रिकेट खेलने के दौरान, तो इनको पानी पीने और चाय पीने की अलग व्यवस्था हुआ करती थी, इनको अटेंड करने के वाले लोग अलग हुआ करते थे, ये साथ में और खिलाड़ियों के साथ बैठकर चाय नहीं पी सकते थे, ये आलम आलम था दोस्तों। तो समझने की ज़रूरत है, मुझे अच्छा लगा ये आर्टिकल कि कुछ लोग अभी भी इस तरह के आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इस तरह के चरित्र के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं, तो ये सब सीख है हम सब के लिए। तो दोस्तों इस तरह के चरित्र और कैरेक्टर और महान छवियों को मैं और लेके आऊँ, इसके लिए ज़रूरी है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा की तरह जो भी समाज के हित में मुझे लगेगा मैं उसको सामने लेके आऊँगा, बिल्कुल बेहिचक लेके आऊँगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देश की बात के साथ, और हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।